लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। फॉर दोज हु डोंट नो, लाइट की स्पीड है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड या पर सेकेंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस, हमारे अर्थ का डायमीटर है 12,000 किलोमीटर और लाइट इतनी फास्ट है कि वो एक सेकेंड में अर्थ के 23 चक्कर लगा सकती है। दैट्स इनसेन, राइट? वेल, जब लाइट के स्पीड का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो साइंटिस्ट यूज़ टू बिलीव कि लाइट की स्पीड इन्फिनिटी है या तो इतनी ज़्यादा कि हम उसे मेजर नहीं कर सकते। सो लेट्स फाइंड आउट किस लेजेंड ने इन सबको रॉन्ग साबित किया था। वो थे डेनिस एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर। तो साल था 1676 और रोमर जुपिटर के मूनलोक के इक्लिप्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। यप, वो इंटेंशनली लाइट की स्पीड को डिस्कवर नहीं किए। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो काइंड ऑफ एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। तो रोमर लोग के इक्लिप्स को इस होप से देख रहे थे कि वो उस ऑब्जर्वेशन की हेल्प से एक एक्यूरेट सैटेलाइट ऑर्बिटल पीरियड बना पाए। रोमर बिलीव करते थे कि इस ऑब्जर्वेशन के हेल्प से नेविगेटर्स आसमान में ही देख के टाइम का पता लगा पाएंगे, जो कि बाद में इनवैलिड साबित हुआ ऑब्वियसली। सो ड्यूरिंग हिज ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये नोटिस किया कि जब अर्थ जुपिटर के सामने है तो लोक का एक्लिप्स 11 मिनट पहले ही हो जा रहा है एक्सपेक्टेड टाइम से, और 6.5 महीने बाद जब अर्थ जुपिटर से काफ़ी दूर है तब लोक का एक्लिप्स 11 मिनट लेट से हो रहा है एक्सपेक्टेड टाइम से। रोमर जानते थे कि इस अनयूजुअल टाइम डिफरेंस का कोई लेना देना नहीं था अर्थ और जुपिटर के रिलेटिव डिस्टेंस से। उनके ब्रिलियंट इंसाइट ने रियलाइज किया कि इसका लेना देना है लाइट से। यप, लाइट। लाइट का स्पीड इन्फिनाइट नहीं है बल्कि फाइनाइट है। उनके अकॉर्डिंग लाइट फाइनाइट इसलिए है क्योंकि वो दूर वाले डिस्टेंस पे पहुंचने में ज्यादा टाइम लगा रहा है। अगर वो इन्फिनाइट होता तो दोनों सिनेरियो में सेम टाइम पे इक्लिप्स लगता। रोमर ने एस्टिमेट किया था कि लाइट को 22 मिनट लगते हैं अर्थ के पूरे ऑर्बिट को क्रॉस करने में, और लाइट का स्पीड पता किया जा सकता है बाय डिवाइडिंग द डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट टू द टाइम डिफरेंस। और डच साइंटिस्ट क्रिश्चियन ह्यूगनेस इन्होंने उस वैल्यू को निकाला था जो कि था 210,824 किलोमीटर, जो कि थोड़ा अनएक्यूरेट था क्योंकि रोमर ने एक एरर किया था। एस्टिमेट टाइम डिले 22 मिनट नहीं 16.7 मिनट है, विच मेक सेंस क्योंकि उनके पास आज के सेट ने एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। एंड द करेक्ट वैल्यू इज 2,89,681 किलोमीटर पर सेकेंड। बट स्टिल लाइट के स्पीड का डिस्कवरी करना 1600 में, इट वॉज जीनियस। सो ऐसे टॉपिक जानना है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले में हम।